हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए झींगी पार्सल की रेसिपी बनाकर लेके आई हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आपको मेरी भी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके डाल रही हूँ। देखिए, अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मैशी करना है अपने टमाटर को। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है अपना टमाटर। इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसे हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल जैसे हमें टमाटर चाहिए बिल्कुल इसी तरह से हमारे टमाटर को मैश करना है। हमें मैशी टमाटर चाहिए हमें, और उसको इसी तरह से हम देखिए चलाएंगे भी थोड़ा थोड़ा। देखिए, हमारे टमाटर मैशी होने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, हमारे टमाटर बिल्कुल इसी तरह से मैशी हमें टमाटर चाहिए। अब इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी। आप बोलेंगे कि प्याज आप पहले ने क्यों नहीं डाली। मैंने प्याज इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमें प्याज का थोड़ा क्रंच चाहिए जो हमारे झींगी पार्सल में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। हमें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए थे। देखिए, हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैंने छोटा शिमला मिर्च लिया है। आप इसके अंदर कॉर्न भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, आप सोयाबीन भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप जैसा भी स्टफिंग बना सकते हैं बना सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ही आसान तरीके से स्टफिंग बनाई है, बिल्कुल घर में ही सब अवेलेबल हो जाता है। देखिए, मैंने इसमें ऑर्गेनो लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच मैं चिली फ्लेक्स ले रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा इटालियन फ्लेवर आता है हमारे डिश में। इससे झींगी पार्सल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये सब्जियाँ तो सबके घर में मिल ही जाती हैं। आप इस तरीके से आप अपने झींगी पार्सल्स बना सकते हैं, जब आपका मन करे जब खा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच टमाटो सॉस डाल रही हूँ। देखिए, हम 3 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा आपके झींगी पार्सल्स में और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप बाहर का खाना छोड़ के अब आप अपने घर में भी इटालियन डिश बना सकते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बनाना। इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और आप अपने घर में अपनी सब्जियों से ही बना सकते हैं। बच्चे सब्जियां भी नहीं खाते हैं तो आप इन सब्जियों को सब सब्जियां मिक्स करके आप अपने घर में झींगी पार्सल्स बना के उनको सब्जियां भी खिला सकते हो और प्रोटीन भी आपको ज़रूर मिलेगा इसमें। इसके अंदर मैंने 1 पिंच नमक डाल दिया है और ऊपर से, और थोड़ा सा मैं चिल्ली पाउडर भी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ अपने स्टफिंग को। आप अपने हिसाब से बनाइए, आपको जैसा अच्छा लगे। अब बिल्कुल हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए, हम अपना डो रेडी करते हैं। अब हम अपना डो रेडी करेंगे। ये मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर मैं 1 कटोरी मैदा ले रही हूँ। इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। 1 चम्मच मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ। मैंने इसमें 1/6 चम्मच चीनी का लिया है। अब इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा डालूंगी, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। अब मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अपने चम्मच से। देख रहे हैं, हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हमें दही से ही अपने डो को रेडी करना है। आपको इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैंने घर का ताज़ा दही लिया है, इससे ही मैं अपने डो को रेडी करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल ज़्यादा दही यूज़ नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा ही दही डाल के आप अपने डो को रेडी करें।
थोड़ा थोड़ा ही दही डालें। अपने डो को इसी तरह से आप रेडी करिए। देखिए हम अपना डो बिल्कुल इसी तरह से रेडी करेंगे। एक चम्मच दही मैं और डालूंगी, आप अपने डो के हिसाब से डालें, आप ज़्यादा दही ना डालें जिससे कि आपका डो पतला हो जाए। हमें बिल्कुल डो इस तरीके से चाहिए जैसे हमारा डो भटूरे के लिए होता है, बिल्कुल सॉफ्ट। इसी तरह का हमें अपना डो रेडी करना है। ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेगा इसलिए आप बाद में थोड़ा सा मैदा लगा के अपने हाथों में अच्छी तरह से मसल लें और थोड़ा थोड़ा रिफाइंड लगा के इसको अच्छी तरह से डो को रेडी करें जिससे कि हमारा डो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको एक चम्मच दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है। आप रिफाइंड ऑयल थोड़ा थोड़ा डालिए जब तक कि आपका डो आपके हाथों से हाथों में चिपके ना, जब तक आपको अपने डो को अच्छी तरह से रेडी करना है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। हमें मैंने अब इसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल लगा दिया है। देखिए हमारा डो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा चिपक रहा है इस टाइम पे, देख सकते हैं आप कितना हमारे हाथ पे चिपक रहा है। हमारा डो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। इसी डो को हम बिल्कुल इस तरह से रेडी करेंगे। मैंने थोड़ा सा हाथ में मैदा लिया है। अपने हाथ को आप अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए पहले, नहीं तो आपका डो आपके हाथ में चिपकेगा और अच्छी तरह से आपका डो रेडी नहीं हो पाएगा। आप अपने हाथ से सारा मैदा निकाल लीजिए। देखिए मैं अपने हाथ से अच्छी तरह से मैदे को बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। देखिए मैदा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब हम अपना डो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारा डो चिपक रहा है। मैं अपने हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ, इसे अपने हाथ में अच्छी तरह से लगा लीजिए। अब अपने डो को रेडी करेंगे हम धीरे धीरे। हम 10 मिनट में हमारा डो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा आप रिफाइंड ऑयल लगाते रहिए और अपने डो को रेडी करिए इस तरह से। देखिए हमारा डो अब कम चिपक रहा है हमारे हाथ में। देखिए बिल्कुल आटे की तरह हमें अपने डो को गूंथना है, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से हम अपने डो को बिल्कुल रेडी करेंगे। देख सकते हैं हमारा डो अभी भी चिपक रहा है, इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ करूँगी अभी, जब तक हमारा डो अच्छी तरह से रेडी नहीं हो जाता। देखिए आप जब तक अपने रिफाइंड ऑयल लीजिए थोड़ा थोड़ा, जब तक आपका डो बिल्कुल अच्छी तरह से बन नहीं जाता। आपका डो बन जाएगा। देखिए हमारे हाथ पे अब अपना हमारा डो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका डो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। देखिए हमारा हाथ में बिल्कुल भी डो अब चिपक नहीं रहा है, तो हमारा डो अच्छी तरह रेडी हो चुका है। हम इसे थोड़ा अच्छी तरह से इसी तरह से मसलेंगे। बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला डो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही बनता है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है हमारा डो, देख सकते हैं आप। इस तरह का हमें डो चाहिए। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है हमारा डो। देखिए बिल्कुल इसी तरह का हमें डो चाहिए अपने झींगी पार्सल्स के लिए। देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं चिपक रहा है, प्लेट में भी हमारा डो बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। आपको मैं देखो तोड़ के भी दिखाऊंगी कि हमारा डो कितना सॉफ्ट बना है। और इसी तरीके से आपको डो बनाना है अपना, आपको हार्ड डो नहीं बनाना है बिल्कुल भी। देख सकते हैं आप इसे थोड़ा, देख सकते हैं आप बिल्कुल इसी तरह का हमें डो चाहिए जैसे हम भटूरे के लिए अपने डो को रेडी करते हैं। देखिए इस तरह का डो हमने लिया था। अब मैंने हमारा डो बिल्कुल इस तरह का हमें अपना डो चाहिए। अब मैं इसके लोइयाँ तोड़ लूँगी। देखिए हमें ज़्यादा पतली लोई नहीं लेनी है, थोड़ा मोटा ही आप ले। देखिए मैं इसमें से 2 लोई तोड़ूंगी। देखिए अब इसे एकदम गोल बेल लीजिए, जैसा बेलना चाहें आप बेल सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप गोल बेलें। हमें रोटी नहीं बनानी है इसकी, हमें झींगी पार्सल्स बनाने हैं। देखिए अब इसको हम ट्राइंगल शेप में बिल्कुल इस तरह से देखिए ऐसे फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से फोल्ड कर दिया हमने। अब हम थोड़ा सा हाथ में पानी लेके इसकी साइड्स हैं जो, इनको अच्छी तरह से बंद कर देंगे जिससे कि जब हम बेक करेंगे अपने झींगी पार्सल्स को तो ये साइड्स खुल ना जाए। इसलिए हमें थोड़ा हाथ से पानी लेके अपने पार्सल्स के साइड्स को बंद करना है इस तरह से।
कि इस तरह से हम अपने झींगी पार्सल के साइड्स को बंद करेंगे। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी फ्रेंड्स, उस स्टफिंग को हम बीच में अच्छी तरह से भर देंगे। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। देखिए अब इसके अंदर मैं ये चीज़ ले रही हूँ अमूल की, ये आपको आसान से मिल जाएगा। मैंने देखिए चीज़ डाल रही हूँ मैं ऊपर से, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा खाने में पसंद आता है, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, हमें अब इस तरह से ये तीनों साइड्स के कोनों को लेके इसे अच्छी तरह से अंदर की साइड लेके फोल्ड करना है, जिससे कि जब हम बेक करें तो ये खुले ना बिल्कुल। इस तरह से हमें अपने झींगी पार्सल्स को रेडी करना है। आप देख सकते हैं हमारा झींगी पार्सल रेडी हो चुका है, इस तरह का ही हमें झींगी पार्सल चाहिए। देखिए इसे थोड़ा आराम से उठाएं, नहीं तो हमारे झींगी पार्सल की शेप ही ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से मैंने झींगी पार्सल्स रेडी कर लिया। देखो हमारा झींगी पार्सल बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने साइड में भी थोड़ा चीज़ लगा दिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह का हमें झींगी पार्सल चाहिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध लगा रही हूँ, दूध और चीनी मैंने थोड़ा घोल के लगा रही हूँ, जिससे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कैरेमल का टेस्ट आएगा और हमारे झींगी पार्सल अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। मैंने इसमें दूध और चीनी लगाया है, देख सकते हैं ऊपर से, देखिए। और मैंने इसमें ऊपर ऑर्गेनो भी लगा दिया है। देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ये स्टैंड रखा है और ये मैं बिल्कुल इस तरह से, देखिए आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप घर में कॉपी में से भी पेपर लेके ऊपर से बटर या रिफाइंड ऑयल लगा के झींगी पार्सल्स को रख दीजिए, उसके ऊपर से आप अब प्लेट ढक दीजिए अपनी और इनको 35 to 40 मिनट तक इसी तरह से बेक होने दीजिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और हमारे झींगी पार्सल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं 40 मिनट्स में, देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे झींगी पार्सल्स रेडी हो गए हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। देखिए आप ओवन में बनाएंगे तो आपको 25 मिनट्स लगेंगे, गैस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, जिससे कि हमारे झींगी पार्सल बिल्कुल सॉफ्ट रहें। देखिए हमारे झींगी पार्सल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रेड फॉर्म में आ चुका है। मैं आपको उसको थोड़ा तोड़ के भी दिखाऊँ कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे झींगी पार्सल, देख सकते हैं आप बिल्कुल ब्रेड फॉर्म में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। खाने में फ्रेंड्स और भी ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में मैंने आपको झींगी पार्सल्स बना के दिए हैं, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और ये बच्चों को भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हमारे झींगी पार्सल्स, बिल्कुल इटालियन फ्लेवर में बनाया है मैंने। देखिए हमारे झींगी पार्सल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।